शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामटेक, मौदा, पारशिवनी तहसील में 21,842 परिवारों को आवश्यक कीटों की आपूर्ति की गई है। रामटेक, मौदा और पारशिवनी तहसील में जिला खनिज निधि से 5,000 परिवारों को चावल, गेहूँ, तेल, चीनी, दाल, चाय की पत्ती आदि की आपूर्ति की गई है। आशीष जायसवाल, विधायक, ने अपने और अपने दोस्तों और परिवार के 1400 लाभार्थियों को 5,000 परिवारों को किराना कीट और सब्जी कीट की आपूर्ति करने का बीड़ा उठाया। अब फिर से यह प्रयास सफल रहा है और कुल 21,842 अत्यंत गरीब परिवार 11,738 में रामटेक तहसील, पारशिवनी तहसील में 5,123 और मौदा तहसील में 4,981 यानी लगभग 92,160 सदस्य को लाभ मिलेगा। तेल, बेसन, पोहा, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया, रोटी के साथ मुफ्त चावल और 2 किलो मुफ्त दाल, सस्ते अनाज राशन की दुकान पर अगले सप्ताह सभी गरीब अंत्योदय लाभार्थी परिवारों को चाय पाउडर की किट उपलब्ध होगी। नागपुर राज्य में अत्यंत गरीब परिवारों के लिए धन उपलब्ध कराया था। आपदा प्रबंधन केवल लॉकडाउन के संकट में नागपुर राज्य में जिले में सबसे अधिक अंत्योदय लाभार्थी रामटेक विधानसभा में है। आशीष जायसवाल, विधायक और अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य खनन निगम ने पहल की और जिले के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी और जिले के सभी मंत्रियों और विधायकों के सहयोग से यह प्रयास सफल रहा है। अब सभी जनप्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों को चाहिए वे कि इस वितरण पर ध्यान देते हुए अंत्योदय के सभी लाभार्थियों को सलाह दे। आशीष जायसवाल ने यह कहा है। आज माननीय आमदार आशीष जी जायसवाल रामटेक मार्केट मधुन 14 प्रकार भाजी, तेल व पीठ इत्यादि साहित्य खरीदी करून स्वखर्चाने पारशिवनी येथील तक्या मार्केट माझ्या हस्ते या ठिकाणी बोलवण्यात आले आणि 3 ट्रकच्या माध्यमातून हे सर्व साहित्य या ठिकाणी आले। पारशिवनीतील सर्व पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी व समाजसेवकांनी या ठिकाणी दिवसभर सकाळीपासून सर्व साहित्य पॅकेटमध्ये 2 पॅकेटमध्ये भरलं व आज जे गरजू लोक आहेत ज्यांना या परिस्थितीत ज्यांच्याकडे आवश्यकता त्या सर्व लोकांना कमीत कमी 700 ते 800 किट त्या ठिकाणी भरून झाल्या व आता वाटप सुरू आहे। रात्रीच्या वेळेस सकाळीपासून आम्ही सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी काम करत आहोत आणि सर्व लोकांना आता पोहोचवणं सुरू आहे। आम्हाला रात्री कमीत कमी 12 वाजणार आहे आणि 12 वाजेपर्यंत व जे काही 1 वाजेसह तोपर्यंत आम्ही सर्वच्या सर्व किट लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचवणार। येत्या कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणामुळे 1.5 महिन्यापासून हा व्हायरसचा संक्रम चालू आहे व त्यामुळे लॉकडाऊन परिस्थिती चालू आहे। 1.5 महिन्यापासून लोक घराच्या बाहेर निघू नये त्यामुळे गरीब लोकांना माननीय श्री ॲडव्होकेट आशिषजी जायसवाल साहेब यांच्यातर्फे अन्नधान्याची किट व भाजीवाला किट हे वितरित चालूच आहे। तरी पण आज माननीय श्री ॲडव्होकेट आशिषजी जायसवाल साहेब यांनी 800 भाजीवाल्याची किट, धान्य आणि तेल पॉकेट असे गरीब लोकांना पारशिवनी शहरातील लोकांना देण्याकरिता त्यांनी पाठवलेले आहे। आज हे किट पारशिवनी येथे तकिया मारुती येथे बनवण्यास सुरू आहे। सर्वत्र पार्टीचे कार्यकर्ते व अदर सगळं पार्टीचे कार्यकर्ते आहे ह्याच्यात मदत करत आहे व साहेब आशिषजी जायसवाल साहेब यांनी पार्टीबाजी न करता हे उपक्रम सर्व रामटेक विधानसभेत राबवत आहे। आपल्याला आमदार असा भेटलेला आहे की आपण योग्य परीने त्यांना निवडलं याची आम्हाला जाणीव होत आहे व सर्व पारशिवनीकरांना त्याबद्दल अभिमान वाटत आहे।